बिस्मिल्लाह को तो हम अपने साथ लेके ही जाएंगे। भूल जाइए बिस्मिल्लाह को। कलन मियाँ, नवाब साहब को बाहर का रास्ता दिखाइए। इस खाकसार को सुनने का शर्फ हासिल हो सकता है। उमराव हमारे जज्बात सुने, ये तो हमारी खुशनसीबी होगी। उमराव जान, जिंदगी का सूरज आसमान में चमकते हुए आफताब की तरह होता है, कब डूब जाए कोई नहीं जानता। बिस्मिल्लाह, खानम के तेवर आज कुछ बदले हुए से लग रहा है। खाली हाथ आई है उमराव भी। खाली हाथ क्यों कह रही हो खुर्शीद? उमराव की आंखों में एक ख्वाब नजर आता है, ऐसा ख्वाब जो इस कोठे पर कभी नहीं पूरा होता। शायद हमारी अम्मा ने भी कभी ऐसा ही ख्वाब देखा होगा जिसका नतीजा हम हैं। हमें खुद नहीं पता कि हम कौन से नवाब का खून है। गलती कर रही है उमराव, और साथ ही में अम्मा भी। क्यों? क्यों का जवाब तो वक्त ही देगा। अभी तो ये सोचना है कि हम नवाब सुल्तान से मिलें कैसे। अब तो सिर्फ एक ही आदमी है जो नवाब सुल्तान से मिला सकता है। कौन है वो? गौहर। तो खबर पक्की है? जी हुजूर, नवाब सुल्तान को हर कोई अपने कोटे पर देखना चाहता है, मगर वो तो उमराव के दीवाने हैं। आदाब। काफी परेशान लग रही हैं आप। परेशानी की तो बात है। खबर सही है, उमराव नाम की तवायफ के नखरे उठा रहे हैं साहबजादे। तो अब मैं रोकूंगा उन्हें? नहीं नहीं, आप सुल्तान को मत रोकिए। गर्म खून है, खून की गर्मी और वक्त की नजाकत कहीं बात ना बिगाड़ दे। जानते हैं आप, सुबह के गए थे, अभी लौटे हैं और फिर कहीं जा रहे हैं। बेहतर तो यही होगा कि हम उन पतूरियों को समझाएं। आशिकी में इंसान की मंजिल सिर्फ माशूक की गलियां होती हैं। नवाब सुल्तान के कदम और ख्याल दोनों आजाद हैं। इन्हें खूबसूरत बेड़ियों की जरूरत है। रिश्ते तो कई आ रहे हैं। वक्त कम है और कदम बहक रहे हैं। इससे पहले कि एक तवायफ के कदम इस घर की पाकीज़गी को नापाक कर दें, सुल्तान के कदमों में रिश्ते की बेड़ियां डाल देनी चाहिए। और बाकी आप मुझ पे छोड़ दें। खुदा हाफिज। हुजूर, आप इस वक्त यहाँ? आप इस हाल में? खानम उमराव कहाँ है? आइए, हम आपको उमराव के कमरे तक ले चलते हैं। अरे वाह, आग तो दोनों तरफ बराबर लगी है। वहां वो सोई नहीं और इन पे जुनून सवार है। इस फैज़ू खान ने हमको बहुत परेशान किया। एक बार दिखाई देगा तो छोड़ माने इसका। खबर मिला है कि वो यहीं कहीं है। एक एक कोठा में सर्च करो, ढूंढो, वो फैज़ू खान यहीं कहीं होगा। क्या तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई यहां अंदर आने की? नवाब, खबरदार अगर पिस्तौल निकाली तो जरा सी भी होशियारी दिखाई ना तो दोनों को दाग दूंगा, समझे? क्या सर्च करा? खबरदार जो इत्तला दी दोनों जान से जाओगे, समझे? यहाँ कोई आया? तुम लोगों को सिर्फ खानम का कोठा मिलता है तलाशी लेने के लिए? जब देखो मुंह उठा के चले आते हैं। तुम लोगों को क्या मैं चोर डकैत को पना देने वाली लगती हूँ? अरे तू शटअप कर जा गोरे और निकल यहाँ से, वरना ये खानम तुझे धक्के देके बाहर निकाल देगी, समझ गया? मोहब्बत की मिसाल यहीं देखी, पर यह मोहब्बत सिर्फ एक रात की मोहब्बत है। खामोश बदतमीज, अपनी जान बचाने का शुक्रिया अदा करना चाहिए था, एहसान फरामोश कहीं का। जान तो तुमने एक दूसरे की बचाई है, वरना यहाँ दो दो लाशें बिछी होती। गोरे अभी गलियों में ही घूम रहे हैं, मौत मिल जाएगी तुझे। हम तो मौत के परवाने हैं, जिंदा कहाँ हैं हम? हमारा चैन और सुकून तो इनकी जुल्फों में उलझ कर रह गया है। खुदा हाफिज, फिर मुलाकात होगी। उमराव, आप घबराइए नहीं, ये कोई सर फिरा था। हम आपके साथ हैं। बेगम साहिबा, दस्तरखान लग चुका है। हमें खाने की ख्वाहिश नहीं है। नवाब साहब की जुआन दिल और दिमाग को मदहोश सा कर देती है और उनकी बातें माशाल्लाह ऐसा लगता है जैसे जैसे चंद ही लम्हों के सफर में जिंदगी किसी मुकाम पर पहुंच गई हो। अगर नवाब साहब जैसा हम सफर मिल जाए हमारी तो जिंदगी जन्नत ही बन जाएगी। पता है हुसैनी बुआ, हम तो इन आंखों में अब नवाब साहब के ख्वाब सजाने लगे हैं। जानती हैं बुआ, जब भी हम अपनी आंखें बंद करते हैं हमें नवाब साहब का वो मासूम और मुस्कुराता हुआ चेहरा नजर आता है और फिर उनके चेहरे पर सेहरे की लड़ियां आ जाती हैं। हुसैनी बुआ, नवाब साहब शादी के सेहरे में कितने हसीन और जमीन लगेंगे ना। या अल्लाह, रहम कर, इस चाहत ने जुनून की हदें तोड़ दी। ऐसी चाहत को तो जमाना सजा देता है। ये नवाब सुल्तान के चचा जान यहाँ किस काम से आ गए? आप माँ की मामता और उसके दर्द को समझने की कोशिश करें खानम जान। नवाब साहब, अगर हम गलत नहीं हैं, तो किसी जमाने में आप अपनी शामें जद्दन के पहलू में गुजारा करते थे। तभी आप भी जवान थे। कसूर हम तवाइफों का ही है जो हम तवाइफ बनी। एक ऐसी कठपुतली जिसके एहसास को कभी किसी ने समझने की कोशिश ही नहीं। क्या कभी आपने सोचा है हमें किसने बनाया? आप लोगों ने। टकसाल, हीरा मंडी, बनारस की खूबसूरत गलियां, ये सब आप अमीरों की ही देन है। जरा सी खिटपिट हुई बेगमों के साथ तो बस आ गए हमारे तलवे चाटने। खानम, सच्चाई सुई की तरह चुभती है। आप हमसे यही कहने आए हैं ना कि नवाब सुल्तान को यहाँ आने से रोक ले, हम अपने कोठे का जीना ना चढ़ने थे। नवाब साहब, सुल्तान मियाँ जवान है, बेपरवाह है, आजाद है। हमारे कोठे के दरवाजे उनके लिए हमेशा खुले हैं। वो आपके बच्चे हैं, आप उन्हें रोक लीजिए। कहते हैं कि बच्चे अपने वालिदैन के नक्शे कदम पे चलते हैं। खानम, आप अपनी हद में रहें। नवाब साहब, ये खानम का कोठा है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ ऊंची आवाज खानम की होती है। इससे पहले कि कलन मियाँ आपका गिरेबान पकड़े, आप अपनी तशरीफ ले जा सकते हैं। नवाब साहब को कॉर्निश के साथ दरवाजे तक छोड़ आइए। उमराओ, आपकी नाम जुल्फों तले बड़ी अच्छी नींद आती है। उमराओ, उमराओ, उमराओ। क्या खबर लाए आप? जितना जल्द हो सके इनकी शादी का बंदोबस्त करें। बात हाथ से निकल गई है, समझ गई? लेकिन शादी के इंतजाम में तो वक्त लगेगा। लेकिन रुस्वा होने में वक्त नहीं लगता है। इज्जत कमाने में सदियां बीत जाती हैं। अगर बेइज्जती के लिए एक पल ही काफी होता है। खबर तो आपको खानम जान ने दे ही दी होगी। हमें अपनी फिक्र नहीं है गौहर, हमें तो नवाब साहब की फिक्र हो रही है। ना जाने उन पर क्या गुजर रही होगी। तुम परेशान मत हो, इन नवाबों पर कुछ नहीं गुजरती। कम से कम तुम तो नवाब साहब के बारे में ऐसा मत कहो। उमराओ, ये दिल जो चीज है ना, जब फड़फड़ाता है तो सिर्फ और सिर्फ अपनी आवाज सुनता है। कहीं आपको नवाब सुल्तान से मोहब्बत तो नहीं हो गई ना? रातों में यूं ना सोना, बेचैन होना, उनकी यादों में खोना, सब मोहब्बत की अलामत है, निशानी है। और ये सब आप में देखे जा सकते हैं। तुम भी मेरा मजाक उड़ा रहे हो। उमराओ, मोहब्बत में एक बात हमेशा याद रखना, इसे कुछ भी बनाना, लेकिन इसका मजाक मत बनाना, क्योंकि मोहब्बत तो इबादत होती है, इबादत। हुक्म करो, क्या करना है? हमें नवाब साहब से मिलवा दो। कोशिश करता हूं। उमराओ बेटा, चलकर थोड़ी धूप सेक लो। बुआ, याद है आपने एक बार कहा था कि गौहर एक राज है? हाँ, राज है, बहुत गहरा राज है। नवाबों की अय्याशी का नतीजा है गौहर। उसके वालिद का नाम अली खान था। किसी डोमनी को दिल दे बैठे थे वो। तोप दरवाजे के रईस थे। गौहर की माँ का नाम बन्नो था। इश्क हुआ और नतीजा है गौहर। मेरे भाई के मकान के पास ही वो डोमनी का बसेरा था। बचपन में गौहर मियाँ इतने शरीफ थे कि दिन में 10 शिकायतें आती थी, और इन्हीं शिकायतों से तंग आकर उसकी माँ ने मुझे सौंप दिया और कहा इसे मौलवी साहब के पास ले जाओ, इसे एक इंसान बनाओ। अब मुझे बताओ, ओठे पे क्या कोई इंसान बनता है? नवाब साहब बड़े शरीफ थे। जब तक जिंदा रहे 10 रुपये वजीफे के तौर पे डूबने को रवाना करते रहे। बड़े लोगों की बड़ी बातें, और उनके इश्क से तो अल्लाह ही बचाए। बस सब्ज बाग दिखाते हैं ये। चलो धूप निकल जाएगी। आदाब भाईजान। आदाब भाईजान, आदाब। आइए। आदाब। हाँ, आजा बेटा, चलो आजा। आज रात हम जहाँ जाने वाले थे हम वहाँ नहीं जा रहे। क्यों? क्यों नहीं जाएंगे? क्योंकि गोरे और सरकारी पुलिस कुत्तों की तरह हमारी तलाश कर रही है। तो आज रात कहाँ गुजारेंगे हम? और गोरे ही नहीं, राजा ध्यानचंद भी हमारे पीछे पड़े हुए। ये तो करते हैं राजाओं को एक सप में खड़ा कर गोली से उड़ा दूं। पीछे ही पड़ गए बदबख्त। मैं अभी टकसाल जा रहा हूं। नहीं, टकसाल की आदत बुरी है, तुम वहां मत जाओ। वहां सिर्फ और सिर्फ परछाइयां हैं। वहां रोशनी के आते ही सब खत्म हो जाता है। परछाई नहीं है वो, हकीकत है। उसकी आंखें थरथराते होंठ, किसी डरी हुई हिरनी से कम नहीं लगती वो।